हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, UPNHM 2400 की फाइनल रिजल्ट के लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है आयोग की तरफ से, जो मैं आप सभी को देने वाला हूं। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट का लाखों लोग इंतजार कर रहे थे और दोस्तों रिजल्ट के लिए उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि आखिर इन भर्तियों की एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है। तो फाइनली आयोग द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है 2400 के फाइनल रिजल्ट को लेकर। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, साथ ही जो इसकी कटअप की रेशियो है वो क्या जाने वाली है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हर एक अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ तक आप तक पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों, वो क्या गुड न्यूज़ है मैं आपको बताने वाला हूं रिजल्ट को लेकर। यानी कि दोस्तों, आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि UPNHM कार्यालय द्वारा जो स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी आउट की गई थी, 2400 की फाइनल रिजल्ट कब आएगी। दोस्तों यह मुमकिन उन अभ्यर्थियों के लिए हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने कल जो है यहाँ पर लखनऊ के अंदर अपनी भर्तियों को लेकर, अपनी वेटिंग लिस्ट को लेकर, अपने रिजल्टों को लेकर, अपने जो है नई विज्ञतियों को लेकर, उसमें भर्ती की पदों को बढ़ाने को लेकर, तरह तरह के यहाँ पर जो है विवादों को लेकर जिन्होंने आंदोलन किया था, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था विभाग के सामने, उसी में से दोस्तों एक भर्ती थी स्टाफ नर्सिंग की 2400 की फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट को लेकर आयोग द्वारा बहुत ही बड़ी अब इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, और साथ ही अमर उजाला की तरफ से 2400 की स्टाफ नर्सिंग के रिजल्ट को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जो मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी काफ़ी होप लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस समय तक रिजल्ट नहीं आई, आखिर UPNHM डिपार्टमेंट क्या कर रही है हमारी भर्तियों के साथ, जिसके परिणाम जारी करने में इतनी विलंब कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए फाइनली यहाँ पर विभाग द्वारा बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो उम्मीदवार इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन उम्मीदवारों की जो इंतजार की घड़ियाँ हैं रिजल्ट की, वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। वो कब तक पूरी होगी उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि UPNHM स्टाफ नर्सिंग की जो रिज़ल्ट है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि UPNHM की जो रिज़ल्ट डेट बताई गई है 2022 में एक्सपेक्टेड की गई थी। पर दोस्तों यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो और आ रही है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हाईलाइटेड है, क्योंकि दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन कल ही अपडेट आई है, क्योंकि आयोग द्वारा यह इन्फॉर्मेशन बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पोस्ट है स्टाफ नर्सिंग की है, एग्ज़ाम कंडक्ट कर ली जा रही है, और जो रिज़ल्ट है वो मार्च, यानी कि आयोग ने यह आश्वासन दिया है कि 30 या 31 मार्च तक जो है फाइनली स्टाफ नर्सिंग की जो परिणामे हैं वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, और मैं आपको वो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो अमर उजाला की तरफ से जो आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों यह एक्सपेक्टेड बताया गया है, क्योंकि आयोग ने यह संभावना जताई है रिजल्ट को लेकर कि जो रिज़ल्ट की प्रोग्रेस है वो लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी सी इस पर और वर्क है, जो करते ही रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। उसके लिए उम्मीदवारों से 5 या 6 दिन का समय मांगा गया है, और इस पर आश्वासन दिलाया गया है कि जो आपकी परिणामे हैं वो यहाँ पर 30 और 31 मार्च तक जो है यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और अमर उजाला की अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं UPNHM और 2700 प्लस पोस्टों के लिए, वेटिंग लिस्टों के लिए, और GNM को ऐड करने के लिए 4000 के अंदर, साथ ही स्टाफ नर्सिंग की 2445 पदों के लिए जो परिणामे हैं वो मार्च में जारी कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी, जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से शेयर किया गया। दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्या NHM जो है इन बातों पर उतरेगा, अपनी बातों पर खड़ा उतरेगा और रिजल्ट जारी करेगा। दोस्तों एक बात जान लीजिए, क्योंकि अब जो वर्कर हैं या सॉरी जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरह से जो है यहाँ पर काबू में आ चुके हैं, क्योंकि NHM ने उन सभी के साथ, उन सभी के भावनाओं के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया है, और उन खिलवाड़ों की वजह के कारण उम्मीदवारों जो है सब रूट पर आ चुके हैं, और UPNHM डिपार्टमेंट कार्यालय पर उनका जो है प्रदर्शन जारी रह रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो यह जान लीजिए कि जो अब है उम्मीदवार चुप नहीं बैठने वाले हैं, और इसलिए UPNHM डिपार्टमेंट को अपनी काम को, अपनी परिणामों को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा, और उन अभ्यर्थियों को वैकेंसी के अंदर उनकी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। जैसे ही दोस्तों हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से जब भी आप शेयर किया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।